मौसम के बारे में अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे कि आज का टेम्परेचर इतना है, आज हवा इतनी तेज चली थी तो बारिश 5 सेंटीमीटर हुई, ह्यूमिडिटी 63% है और आज कितनी तेज धूप थी और कितनी देर तक धूप थी, पर ये सब पता कैसे किया जाता है? वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो करो और इसे अच्छे से समझो। ये तो पता ही होगा कि ये सब मौसम विज्ञान जिसको मेट्रोलॉजी कहते हैं इनके द्वारा ही पता चलता है और मौसम वैज्ञानिकों को मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, पर ये कौन कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करके पता करते हैं और कैसे? चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हवा की गति से। ये है विंड डायरेक्शन इंडिकेटर जो कि हवा की डायरेक्शन बताता है। इस पर चारों डायरेक्शन भी लिखे हुए हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसे तो हवा का डायरेक्शन पता चला। अब इस हवा की स्पीड क्या है इसको पता करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एनीमोमीटर कहते हैं और इस पर एक मीटर लगी है जो कि हवा की स्पीड को बताता है। इसी से पता किया जाता है हवा की स्पीड। देखने में बड़ा सिंपल है पर है यही। अब तो कुछ डिजिटल भी एनीमोमीटर है। कांच का ये गोला जो धूप में चमक रहा है इसको धूप में ही रखा जाता है क्योंकि ये है सनशाइन रिकॉर्डर, मतलब दिन भर में कितनी तेज धूप थी और कितनी देर तक धूप थी उसी को ये रिकॉर्ड करता है। इसमें जो ये नीले रंग की स्ट्रिप लगी हुई है इस पर एक स्पेशल केमिकल लगी होती है जो कि इस स्पेयर से सूरज की रोशनी पार होकर इस कागज़ पर गिरती है तो ये जल जाती है और इसे पता चलता है कि धूप कितनी तेज थी। इस पर जो लाइन बनी है ये हर एक घंटे को डिनोट करता है। इसको साउथ के डायरेक्शन में रखते हैं क्योंकि सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है तो प्रकाश इस पर ऐसे पड़ती है। और ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं इस पर मंथ डिनोट होता है, मतलब कि किस मंथ में कौन सा स्ट्रिप इस्तेमाल होगा। इसका शेप भी चेंज रहता है अलग अलग मौसम के अनुसार। इस पर आप जला हुआ निशान देख रहे हैं, यही है जिसको देखने के बाद स्ट्रिप की लाइन को काउंट करके पता किया जाता है कि कितने समय तक और कितनी तेज धूप थी। और ये है बैरोमीटर, इसे पता किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हवा का दबाव कितना है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये है मरकरी और इसके साइड साइड से हवा प्रेशर लगा रही है और जब हवा इसके साइड साइड से प्रेशर लगाएगी तब ये मरकरी इस ग्लास ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ जाएगी और ये कितनी ऊपर गई इसको मेजर करके पता किया जाता है। लेकिन आजकल डिजिटल बैरोमीटर है। अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है तो इसको पता किया जाता है इस स्टेवेंसन स्क्रीन के जरिए। इसमें चार थर्मामीटर लगे होते हैं, दो टेम्परेचर के लिए जो एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम बताता है और दो ह्यूमिडिटी के लिए, एक वेट बल्ब थर्मामीटर होता है और दूसरा ड्राई बल्ब थर्मामीटर। वेट बल्ब थर्मामीटर को कॉटन से बांधकर उस कॉटन को पानी में डुबा कर रखा जाता है और इनसे निकाली जाती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब गर्मियों के बाद बरसात तो आती है तो आज कितनी बारिश हुई इसको मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र, मतलब रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। बरसात के मौसम में हर दिन कितनी बारिश हुई इसको मेजर यही करता है। रेन गेज एक सेल्फ रिकॉर्डिंग होती है और दूसरा मैनुअल। सेल्फ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये जो नीडल है इस ग्राफ पर मार्क करती रहती है और ये रोलर है 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। इसको चाबी देना पड़ता है, मतलब जो पहले चाबी वाली घड़ी थी ठीक वैसे ही। इसको सिंपल तरीके से समझो तो एक ग्लास ट्यूब होता है, इसमें मार्किंग होती है यानी स्केल बना होता है। अब इस ट्यूब के एरिया में कितनी बारिश हुई इसको कैलकुलेट करके फिर उसके अनुसार पूरे एरिया में कितनी बारिश हुई पता कर लिया जाता है। और ये थी मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान। ये सब आपको अगर पहले से पता था तो कमेंट करके बताओ और ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।